बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो मॉडल बिल्डर से रिलेटेड है कि आरजेएस में मॉडल बिल्डर जो है वो कैसे क्रिएट किया जाता है। लेकिन सबसे पहले जो है वो मालूम होना चाहिए कि मॉडल बिल्डर बेसिकली है क्या और ये क्रिएट किस लिए किया जाता है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है हम जो है वो लैब वर्क भी करेंगे, ठीक है। मॉडल बिल्डर बेसिकली क्या है कि विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बिल्ड की जाती है जियो प्रोसेसिंग फ्लोस को, ठीक है। बेसिकली क्या है, विजुअल प्रोग्रामिंग जो है वो ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम क्या करते हैं, ग्राफिक एलिमेंट्स को और फिगर्स को यूज़ की मदद से जो है वो प्रोग्राम को इसमें डेवलप किया जाता है, ठीक है। बेसिकली मैं आपको जो है वो मॉडल बिल्डर का जो है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस दिखा देता हूँ। इसमें आप देख लें कि ये जो है वो ग्राफिक एलिमेंट्स के थ्रू हमने सीक्वेंस में जो है वो टूल्स को रखा हुआ है और एक वर्क फ्लो बनाया हुआ है जिसमें इनपुट है एक तरफ से और दूसरी तरफ से जो है वो आउटपुट दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि हमें ये कहाँ इसके यूज़ जो है हम कब करते हैं, ठीक है, किस लिए करते हैं। ये बेसिकली आपके पास अगर रिपीटेटिव जीआईएस टास्क हो जिसमें आपको एक ही चीज़ जो है वो बार बार मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ करनी पड़ रही हो और आपके पास आपको आपका टाइम जो है वो कंज्यूम हो रहा हो, तो टाइम को ऑप्टिमाइज करने के लिए मॉडल बिल्डर को यूज़ किया जाता है, ठीक है। या आप किसी बड़ी टीम के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं और वहाँ पे पर्टिकुलर जीआईएस एनालिसिस का इस्तेमाल हो और जो है वो आपको सिमिलर और यूनिफॉर्म आउटकम्स चाहिए हो, तो ये मॉडल बिल्डर जो है इसके लिए बेस्ट है, ठीक है। अच्छा, बेनिफिट्स क्या हैं, बेसिकली इजी टू यूज़ है, ठीक है। आप जो हैं वो इसमें एप्लीकेशन के लिए जो है आप इसमें जो है वो इसको क्रिएट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं वर्क फ्लो को, ठीक है, जिसमें आप टूल्स को एक सीक्वेंस के साथ रख के इसे अपना अपना जो भी काम है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है कि आप जो भी अपने लिए भी इसमें आप कोई एक अपने तौर पे भी जो है आप एक टूल क्रिएट कर सकते हैं अपने एनालिसिस के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास, आप उस टूल को जो है दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और जो है वो मॉडल बिल्डर को जो है वो पाइथन स्क्रिप्टिंग में भी और दूसरे मॉडल्स के साथ जो है आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है उसमें क्या है कि मॉडल बिल्डर जो है वो और जो इसके साथ जो स्क्रिप्टिंग है इसको, यही चीज़ जो है ना वो आरजीएस को इंटीग्रेट करती है दूसरी एप्लीकेशंस के साथ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, चले हम जो है वो लैब की तरफ चलते हैं, आर्क मैप में चलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैं दिखा दूँ, मेरे पास जो है वो रोड नेटवर्क है, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट की फाइल्स हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट को अलग-अलग किया हुआ है, सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो है वो बिल्फ़र्ज़ एक डिस्ट्रिक्ट खोल लेता हूँ। अब मेरे पास जो है ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये रोड क्लिप हो, ठीक है, और इस क्लिप होने के बाद जो है मुझे ये KML की शक्ल में मिले, तो मैं एक ऐसा भी वर्क फ्लो क्रिएट करूँगा मॉडल बिल्डर के अंदर जो कि इनपुट ले और KML में मुझे वो चीज़ क्लिप होके मिल जाए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या करना है, आपने जो है वो कैटलॉग में जाएंगे, ठीक है। कैटलॉग में जाने के बाद अपने फोल्डर में जो भी आपका फोल्डर होगा उस पर आपने राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे आपने करना है आर टूल बॉक्स, ठीक है। आप टूल बॉक्स को रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। नाम दे दिया मैंने, ठीक है। इस पे राइट क्लिक करें, न्यू और मॉडल ले आए इसमें, ठीक है। ये हमारा इसमें मॉडल बिल्डर आ गया। अब क्या करना है, सबसे पहले आपने रोड की फाइल को लाना है, ठीक है, रोड नेटवर्क, और ये मेरा डिस्ट्रिक्ट की फाइल हो गई, ठीक है, ये दोनों हो गए एज ए इनपुट। अच्छा, नेक्स्ट काम क्या करना है, हमने करना है क्लिप, ठीक है। तो हम जाएंगे सर्च में चले जाएँ, या आप टूल बॉक्स बॉक्स से खोल लें। अच्छा, ये जो आ गया हमारे पास क्लिप का टूल, इसको हम ड्रैग करके ले आएंगे, ठीक है, ड्रैग करके यहाँ ले आए। अच्छा, अब क्या करना है, आपने इसको आपने करना है कनेक्ट, ठीक है, रोड एज ए इनपुट फाइल और दिस वन जो है वो जो हमारी डिस्ट्रिक्ट फाइल है एज ए क्लिप फीचर, ठीक है। मतलब अब ये कलरफुल हो गया, इसका मतलब ये कि कनेक्ट हो गया आपस में। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ क्या है इसमें,
अच्छा एक चीज़ आप याद रखें, ये आपके पास आउटपुट आ रहा है, इसको जो है वो आप अगर सेव करना चाह रहे हैं तो आप फोल्डर, अपने फोल्डर में जाके इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, मैं आउटपुट में यहाँ अपने फोल्डर में सेव कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास, मेक फीचर टू लेयर हम इसमें ऐड करेंगे। मेक फीचर टू लेयर, ठीक है, इसे मैं ले आया यहाँ पे, ड्रैग किया। अच्छा इसको आप कनेक्ट करेंगे, ये हमारी इनपुट फाइल हो गई और ये यहाँ पे एज ए इनपुट ऐड हो जाएगी। ठीक है, क्लिक किया इनपुट फीचर, ठीक है, कलरफुल हो गया, इसका मतलब ये कनेक्ट हो गया आपस में, सही है टूल्स। अच्छा इसके बाद हमने क्या करना है, इसको आप जो है आप चाहें तो इसको अब इसकी लोकेशन भी वहाँ दे दें। ठीक है, आउटपुट में इसको सेव कर दें। ये एज ए लेयर सेव हो जाएगी। ठीक है, ओके किया। अब नेक्स्ट और फाइनल क्या हमें लाना पड़ेगा यहाँ पे टूल जो है वो लेयर टू केएमएल। ठीक, लेयर टू केएमएल, सही है। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे और एज ए लेयर इसको मैंने दे दिया। ठीक है, ये देखें ये हो गया कनेक्ट और इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। अच्छा ये क्या है, अब ये कहाँ पे सेव कर रहा है इसको, ये इसको चेंज कर लेते हैं हम। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ अपने फोल्डर में। ठीक है, ठीक है, ओके किया। अच्छा अब क्या है, ये सब करने के बाद आप यहाँ पे इसको एज ए, अच्छा अब आपने इसको जो है रन करना है। ठीक है, अब हम इसको रन करेंगे, अगर ये प्रोसेस इसको चले देखते हैं पहले, प्रोसेस जो है देखें रन हो गया। ठीक है, क्लिप पे आया, अभी फीचर क्लिप हो रहा है। ठीक है, लेयर टू केएमएल, देखिए ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है, इसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आउटपुट में जाके चेक करता हूँ, फुल फोल्डर में गए, हमारी फाइल जो है वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ कि गूगल अर्थ पे खोलता हूँ। ठीक है, ठीक है, हमारी फाइल जो है वो देखें ये आ गई है। ठीक है, रोड की फाइल जो है वो हमारी जो हमने मॉडल बिल्डर में अपना टूल क्रिएट किया था उसकी मदद से जो है हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं कि ये हमारा टोटल रोड नेटवर्क उस डिस्ट्रिक्ट का यानी कि मुल्तान डिस्ट्रिक्ट का जो है वो शो हो गया है। तो ठीक है, अब चलते हैं दोबारा मॉडल बिल्डर पे। अगर आपने इसमें कुछ सेटिंग करनी है तो इस पर राइट क्लिक करके एज ए मॉडल पैरामीटर, मॉडल पैरामीटर सेलेक्ट कर लें। ठीक है, इसको यहाँ पे रीनेम कर लें, इसको कह दें आउटपुट। ठीक है, और इसको भी जो है वो मॉडल पैरामीटर से, ठीक है, उसको सेव करा लें आप। ठीक है,
जो है वो अगर आप इसको टूल बॉक्स में खोल देखेंगे, इसको मैं अगर बंद कर लेता हूँ और आर टूल बॉक्स में हम जाएंगे या आर कैटलॉग में भी अगर आप चले जाएं वहाँ से भी खोल सकते हैं, यहाँ से ऐड कराना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा जो है वो मॉडल, इसमें हम अपनी वैल्यूज़ डालेंगे। ठीक है, और जो है वो जो अभी इस वक्त मुल्तान डिस्ट्रिक्ट है, इसमें मैं दूसरा डिस्ट्रिक्ट डालूँगा। ठीक है, तो वो इसी तरह करके मुझे वन बाय वन ये करके दे देगा। ठीक है, जो बीच की प्रोसेसिंग है वो मुझे बार बार नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि कैसे जो है मॉडल बिल्डर को जो है वो यूज़ करते हुए अपना मॉडल क्रिएट करना है उसे, और जो है वो कैसे उसको एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, तो चलें, नई वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।